हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत। रूम में बैठे बैठे मेरे को 9 बज चुके हैं। अभी सो के उठा और पैकिंग कर रहा था तो ये सिस्टम हो रखा है। यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, ये पड़ा है इधर, ये सब है। अब मेरे को ये सब करने करने में 1 घंटा फिर चला जाएगा और फिर कल की तरह 10 बजे फिर निकलूंगा यहाँ से। मैं कल चंडीगढ़ से 10 बजे निकला था, आज यहाँ से 10 बजे निकलूंगा। यही सिचुएशन बनने वाली है मेरी। जल्दी जल्दी करता हूँ और निकलता हूँ फिर यहाँ से, मिलता हूँ सीधा बाइक पर। अच्छा, एक चीज़ रह गई। मैं इस पर आज कवर चढ़ाने की सोच रहा था, क्योंकि ना धूप में ये सारा खराब हो जाता है। इसका कोई सेंस नहीं हुआ बट हाँ, फिर भी अजीब सा लगता है ऐसे बैग यार। तो इसके लिए कवर लेके आया था मैं, महंगा पूरे पैसों का। अभी हो गया ये परफेक्ट, टेंशन खत्म हो गई, अब ठीक लग रहा है। चलो अब निकलते हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए सीधा। ही जानता हूँ कैसे मैं इसमें सरवाइव कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। और आज एक और नुकसान भी हो गया। सुबह सुबह जम्मू से तो निकल चुके हैं और श्रीनगर हाईवे पकड़ लिया है, और टाइम अगर मैं बताता चलूँ तो 10:30 हो गए और मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है आज तो, क्योंकि मेडिसिन खानी है मेरे को। अब मैं इस आधे घंटे में कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा तो देखूंगा कि कुछ खा लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसी सूरज की ऐसी लाइट पड़ रही है ना, बता नहीं सकता। और आज अगर नुकसान की बात करता चलूँ एक बार फिर से, तो एक तो ये वाले वाइजर का लॉक टूट गया यहाँ से, एक ये नुकसान। दूसरा ये इतना ढीला है कि मेरे को अंदर कैप पहनना पड़ गया, नीचे मास्क लगाना पड़ गया, नहीं तो इतनी गर्मी में कौन लगाएगा। और तीसरा इसका गोपरों का जो वाइब्रेशन बेल्ट था ना नीचे का, वो भी निकल के गिर गया। दूसरी राइड दूसरे दिन, 3 नुकसान हो गए। आगे पता नहीं, ऊपर वाला मालिक है। बेल हुए छोटे छोटे, इनसे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पर कुछ कह नहीं सकते आगे। बाइक को पानी पिला दिया, अपना बचा है। अब अपना देखूं कहां पे मिलता है। 5-10 मिनट में अपना भी देखता हूं, नहीं तो बैंड बज जाएगी मेरी पक्का, मेरे को पता है। इतनी गर्मी है, इसमें भी निशान आ गया, कूलेंट टेम्परेचर हाई। सैंडविच है अपने पास? सैंडविच 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 हाँ, बटर टोस्ट, लस्सी 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 भी नहीं है, नहीं है। बनवा देते हैं, दही ना बना। एक लस्सी बना दो और कुछ हल्का फुल्का, क्या है, कुछ है खाने को ब्रेकफास्ट टाइप में? पराठा होगा। आलू का बनवा दो। लास्ट ट्रिप चली है 470 किलोमीटर, अभी टंकी फुल करा दी है और ट्रिप कर दी 0। यहाँ से बचा है 220 किलोमीटर समथिंग श्रीनगर। अब अगर बाइक रुकेगी तो 3 बजे रुकेगी जाके, बीच में छोटे मोटे ब्रेक लगते रहेंगे, इससे पहले तो नहीं रोकने वाला हूँ मैं। यहाँ भी बहुत गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है, ठंडी हवा ही चल जाए वो भी नहीं चल रही है। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर एक नदी है जो बह रही है, बहुत खूबसूरत आवाज आ रही है, पर पानी मेरे को पता है कितना खतरनाक है, नहाने की तो सोच नहीं सकता। ठंडी हवा जरूर आ रही है यहाँ पेड़ के नीचे, अभी तो यहाँ चैन वैन सारी लगा के बैठूंगी भी। अगर सूरज को देख के बैठूँ ना यहाँ पे, तो मेरे बस का नहीं, किसी के बस का नहीं है यहाँ पे बैठ जाए ऐसे। अभी ठंडी हवा चल रही है बहुत अच्छी, क्योंकि नदी इस टाइम पे फुल चल रही है भर के। स
सीट बिल्कुल गर्म हो गई होगी। अरे तेरी भयंकर, पानी की डाल दूँ इस पर? रहने देता हूँ। टाइम 2:02, 120 किलोमीटर बचा है, मतलब 2 घंटे। अभी ये कुछ टाइम तक सिंगल रोड मिलेगा, बीच में कुछ ऑफ रोडिंग के पैच भी हैं और ऊपर से ये ट्रक है, ये थोड़ा सा परेशान करेंगे, बट रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। बाइक फिसल रही है, वो देखो सामने भाई की। तो बहुत गंदा पैच, लास्ट टाइम नहीं था इतना, अभी बना ही है। बहुत गंदा ट्रैफिक है। हाँ भी चल गई बाइक निकालते निकालते, 15-20 मिनट से निकाल रहा हूँ पर अभी भी पता नहीं कितना लंबा है, देखते हैं। ओ भाई है क्या, भाई अभी इतना ही अभी बहुत है, बहुत लंबा ट्रैफिक है अभी। आ रहे हैं बोल दिया था आ रहे हैं। हाँ फंस गए थे पीछे आगे से। चल रहा है, चलो मिलते हैं। अब दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं रोकने वाला हूँ यहाँ पे, मेरे बस का नहीं है। अब बस यहाँ रुकेगी तो रुकेगी, साफ सी बात है, नो एक्सक्यूज। ओए श्रीनगर में तो एंटर हो गए, अभी लेक के पास हूँ मैं और लेक के बहुत पास में मेरा रूम है, ये अच्छी बात है। अच्छा हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जब भी आप कभी राइड पे निकलो ना, जहाँ के आपकी डेस्टिनी हो वहाँ एक बार होटल देख के फ़ोन ज़रूर करके पता कर लो कि प्राइस क्या चल रहा है, अगर आप बजट के हिसाब से चल रहे हो तो। क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे 1200 रुपये था उस टाइम पे, अभी वो बोल रहे हैं 2000 रुपये है, तो चेंज होता रहता है। तो एक दूसरी जगह मैंने फ़ोन करके पता किया था, वो भी 1500 बोल रहे हैं, बट 1100 या 1200 में मान जाएंगे, बोल रहे हैं आ जाओ हो जाएगा। पहले तो एडवांस बोल रहे थे कि एडवांस कर दो, फिर मैंने बोला कि बस 20 मिनट लगेंगे और 20 ही मिनट लगे, आ चुका हूँ मैं, 5-6 हो गए। अब इस सीज़न के टाइम में 1200 या 1100 रुपए का रूम मिलना बहुत मुश्किल है, ये तो मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि अब यही सीज़न है इन लोगों की, टूरिस्ट जितने ज़्यादा आएंगे वो इसी टाइम पे आएंगे। 1 किलोमीटर और, ये कूलिंग टेम्परेचर हाई हो गया, अब ये बंद होने के चांसेस इसके जग जाते हैं, अब इसको ठंडा करना पड़ेगा तब ये बढ़ेगी, पर 1 किलोमीटर बचा है इतना तो चल जाएगी, उसके बाद बंद ही बंद है बेटा, तू दूसरे दिन चलेगी। और इंजन का भी साइन आ रहा है इसमें, कल से आ रहा था ये तो, कल परसों से, जब से मैं चलाऊँ तब से। मैं वीडियो एडिटिंग में लग गया तो फिर बहुत लंबा जाऊँगा, 10-11 बज जाएंगे, उससे अच्छा अभी हुआ तो पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर देता हूँ अभी जाके। तो आज के लिए बस इतना ही, होप करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सो गाइस फाइनली रूम पे पहुंच चुका हूं, और अभी मैं नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूं, कपड़े वपड़े पहन के, क्योंकि 5:30 बजे अभी, और मैं सोच रहा हूं पहले मार्केट हो आता हूं बाहर जाके,
जो भी खाना पीना है वो खा आता हूँ, और जितना भी छोटी मोटी चीज़ें लेके आनी है वो ले आता हूँ या फिर घूम आता हूँ, क्योंकि बाद में मैं जाने वाला हूँ।